ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल हैव द सम मिक्स कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज। कुछ अब मैं कोर अच्छे सम्स और लेता हूँ जो पूरे मिक्स पे होंगे। कुछ सम्स आपको पैरोग्राम लॉ के लगेंगे, कुछ जनरल वेक्टर के लगेंगे फ्रेंड्स, कुछ आपको डॉट प्रोडक्ट के दिखेंगे, है ना। पूरा एक जनरल एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट पे लेते हैं। ओके, पहला ये बोल रहा है, इट्स अ प्योरली कोर फिजिक्स सम। ही सेज दैट अ पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड 5 meter per second, 5 meter per second चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन 10 seconds, फिर बाद में 10 seconds में वो डायरेक्शन चेंज करता है, ओके, टुवर्ड्स नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ रन हो रहा है, विथ एंड रन विथ सेम स्पीड, 5 से ही नॉर्थ पे अब जा रहा है, पहले साउथ पे जा रहा था, 10 seconds बाद नॉर्थ पे टर्न ले लिया और वो स्पीड से जा रहा है। एग्जामिनर साहब पूछ रहे फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, निकालिए, ठीक है। चलो स्टार्ट, मैंने आपको सिखाया जब भी हम डायरेक्शन वाले सम करेंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये बना लीजिए फ्रेंड्स। पहले पार्टिकल कहां जा रहा था फ्रेंड, यहां जा रहा था, बराबर। देखिए v1 लिखिए 5i, x एक्सिस में कौन है 5i फ्रेंड, 10 सेकंड बाद कहां चला गया v2 फ्रेंड्स, ये क्या होगा 5j, क्यों 5, सेम स्पीड से लेकिन डायरेक्शन चेंज मारा, सेम स्पीड से लेकिन डायरेक्शन चेंज, ये हो गया 5j। आराम से देखिए फ्रेंड्स, ये नॉर्थ, आराम से, ओके। एक्सेलरेशन के लिए आपने स्कूल से पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब चेंज इन वेलोसिटी चाहिए फ्रेंड्स। आप निकालोगे चेंज इन वेलोसिटी, अब बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या बेटा 5j माइनस इनिशियल 5i, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, आराम से, ओके फ्रेंड्स। अभी आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा 5√2, आराम से, कुछ सेकंड्स रुकेंगे बेटा, कुछ सेकंड्स रुकेंगे, ये आ गया मैग्नीट्यूड, ओके। एक्सेलरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ओके बेटा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये बराबर देखिए, चेंज इन वेलोसिटी 5√2, टाइम कितने सेकंड में उसने चेंज किया डायरेक्शन 10, ये देखिए फ्रेंड्स 10 सेकंड्स, ओके, तो ये कितना आ गया 2, एक्सेलरेशन कितना हो गया √2/2, ओके, बिल्कुल यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आराम से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहां एक प्रॉब्लम और है, ये तो निकाल दिया एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन चाहिए ही, ही नीड्स डायरेक्शन, बोल नहीं रहा है बट अंडरस्टूड डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में आओ, ये फॉर्म में, ये देखो बेटा ये फॉर्म है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, फॉर डायरेक्शन लिखता हूं, फॉर डायरेक्शन, ये देखो बेटा, ओके। अब बराबर देखो, आपने बोला चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये देखो बेटा माइनस 5i प्लस 5j, ij के फॉर्म में लिखो, ओके, हाँ। अब इस वेक्टर का भाई मुझे एंगल निकालो विथ एक्स एक्सिस, तो आप बोलोगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, याद करो फ्रेंड्स, टेन इनवर्स y by x, तो ये हो गया 5/-5, ये हो गया -1, कितना आ गया -1, तो थीटा कितना आया बेटा टेन इनवर्स -1, मंजे थीटा मंजे -π/4 फ्रेंड्स, -π/4 यानी -45 degree फ्रेंड्स, यानी -45 degree, ओके, किसके साथ बेटा एक्स एक्सिस के साथ, ओके फ्रेंड्स। अब आपको सिखाया माइनस एंगल, मैथ्स में माइनस एंगल यानी क्लॉकवाइज, वो ये एंगल है, ये देखिए बेटा ये एंगल है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी यहां जा रही है, ये देखिए बेटा चेंज इन वेलोसिटी यहां जा रही है, ये भी कितना 45, बट नेचुरल ये भी कितना होगा अंडरस्टूड 45, ये एंगल था वो, देखो क्लॉकवाइज ये एंगल था 45, राइट, तो चेंज इन वेलोसिटी यहां है बट नेचुरल एक्सेलरेशन वही होगा जहां चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसको कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, कोई बच्चा बोलेगा वेस्ट नॉर्थ चलेगा बेटा, कोई इशू नहीं, बट जनरली हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। तो डायरेक्शन क्या आएगा इसका, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट,
Is that clear? Magnitude, magnitude acceleration, this direction northwest. Okay, friends, now he says that if suppose this particle, okay, is acted by three forces. One is in the form of tension T2, another is also in the form of tension T2. Second one is in the form of some force, yeah, weight, 900 Newton. Okay, yeah, angle diya beta 60 degree, yeah, angle diya 30 degree. He says that if P is in equilibrium, for equilibrium of P, yeah, equilibrium mein hai. Again, equilibrium means, friends, net force zero, net acceleration zero. Okay, aapko T1 by T2 ka ratio nikalna hai. ओके आराम से देखिए और क्वेश्चन पहले समझिए. अब देखिए फ्रेंड्स, इसके दो कंपोनेंट T2 cos 60. ये देखिए फ्रेंड्स, इसके कंपोनेंट सेकंड वाला T2 sin 60. फ्रेंड्स सिखाया जहां एंगल है cos, परपेंडिकुलर इसके sin. फ्रेंड इसका पहला कंपोनेंट T1 cos 30 सेम इसके परपेंडिकुलर T1 sin 30. आराम से कुछ सेकंड्स रुकेंगे फ्रेंड्स. ओके, अब आपको पता है ये इक्विलिब्रियम है, मंजे हॉरिजॉन्टल फोर्स इज आल्सो जीरो, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ कोर्स मस्ट बी जीरो. तो ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस होगा फ्रेंड. तो आप बोलोगे सर T1 cos 30 सेम होगा T2 cos 60. T1 cos 30, T2 cos 60 ये सेम होगा फ्रेंड्स. तो यहां से T1 by T2 आ जाएगा फ्रेंड्स cos 60 over cos 30. फ्रेंड cos 60 की वैल्यू होती है हाफ. फ्रेंड्स cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. 2 अनी 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1/√3. आराम से देखिए. Okay friends, now we'll have the another example. He says find value of m if vector a bar is equal to I plus 2j minus 3k is parallel to b bar, that is 3i plus mj minus 9k. M nikalna hai friends, dono vector parallel. Aapko sikhaya tha friends, jab vector parallel ho manje inke slopes same hote hain. Friends aapko sikhaya vector parallel ho inke slopes same hote hain. Slope ke liye sikhaya tha friends, I से I के कोएफिशिएंट का रेशियो 1/3 इज इक्वल टू फ्रेंड J से J के कोएफिशिएंट का रेशियो 2/m. फ्रेंड्स K से K का कोएफिशिएंट का रेशियो -3/-9. क्या किया फ्रेंड्स, याद करो. देखो ना, A1 B1 सर इक्वल टू A2 B2 सर इक्वल टू A3 B3, वही किया बेटा, स्लोप्स आर सेम. ओके, अब ये दो से मेरा काम बन जाएगा. ओके, इसको लेने की जरूरत भी नहीं है. तो आएगा 1/3 इज इक्वल टू 2/m. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6. क्लियर, आराम से देखिए बेटा. ओके फ्रेंड्स, नाउ विल सी द अनदर कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल. ही सेज दैट इफ a बार इज इक्वल टू m b बार प्लस c बार, m इज स्केलर. फ्रेंड m के ऊपर कहीं वेक्टर का निशान नहीं है, इसका सिंबल नहीं है, m इज स्केलर. बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ m, लेकिन m की मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ. चलो देखते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स ये क्या आ जाएगा, m b बार इज इक्वल टू, इसको यहां ले लो, ये हो जाएगा a बार माइनस c बार. फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, a बार माइनस c बार, ये आके यहां माइनस हो गया. अब थ्रू आउट इक्वेशन को टेक डॉट प्रोडक्ट विद b बार, टेक डॉट प्रोडक्ट विथ बी बार, बी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी. फ्रेंड थ्रू आउट बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखा, ठीक है. अब ये बी डॉट बी फ्रेंड्स क्या हो गया, बी स्क्वायर, ए डॉट बी ऐसा ही, बी डॉट सी ऐसा ही, बी स्क्वायर फ्रेंड्स नीचे आ जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी होल डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर. फ्रेंड्स ये वैल्यू होगी एम की.
Okay, friends, now we have the another purely core physics based question. He says that the velocity and acceleration vectors of a charged particle moving perpendicular to direction of magnetic field at given instant, yani velocity vector or acceleration vector, ऐसे पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट पे, दिया हुआ है v बार इज इक्वल टू 2i प्लस cj a बार, फ्रेंड्स ये है एक्सेलरेशन वेक्टर, a बार मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर 3i प्लस 4j, ओके साहब पूछ रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ c इस स्केलर की, इफ सॉरी इस स्केलर की, इस नंबर की वैल्यू निकालना है, ओके अब आपने मुझे बोला बराबर, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या बोला था, इसका मतलब क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे 90, फ्रेंड जहां फोर्स होता है स्कूल से हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन वहीं होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी पे 90, फ्रेंड्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने मुझे बोला एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, फ्रेंड्स यानी फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे 90 है, जहां फोर्स होता है फ्रेंड्स एक्सेलरेशन वहीं होता है, फार्मूला आपने बोला फोर्स का m into a, डायरेक्शन वही होती है फोर्स की और एक्सेलरेशन की सेम, यानी एक्सेलरेशन भी v को परपेंडिकुलर है, दैट्स फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जब दो वेक्टर फ्रेंड्स परपेंडिकुलर हो आपने क्या मुझे बोला a डॉट v शुड बी जीरो, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो, स्टार्ट कैसा आएगा बेटा इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, स्टार्ट आई से आई वाले 6, जे से जे वाले प्लस 4c इज इक्वल टू 0, फ्रेंड्स वहां पर डॉट प्रोडक्ट भूल गए हो तो बराबर देखो, आई से आई का कोएफिशिएंट 6, जे से जे का कोएफिशिएंट 4c, फ्रेंड्स यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी -6/4 मंजे 3/2, यानी c की वैल्यू आएगी -3/2,